यक्षिणी की डरावनी आवाज सुनाई देती है, निकाल निकाल मुझे यहाँ से। यक्षिणी की आवाज सुनकर अनुराग कसकस कर हंसने लग जाता है। अनुराग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुझे निकालने ही तो आया हूँ मेरी कामेश्वरी यक्षिणी। अनुराग सीधे जाकर बोतलों से भरी हुई अलमारी के पास जाकर खड़े हो जाता है, जिसके हर एक खाने में एक अलग शक्ति से बनी हुई बोतल रखी हुई थी। पर उस अलमारी में एक खाना ऐसा था जिसमें बोतल नजर नहीं आ रही थी, बस धुआं नजर आ रहा था। उस खाने में पूरी तरह धुआं भरा हुआ था। ये वही खाना था जो युग और उसके दोस्तों को खाली मिला था जब वो उस अदृश्य कमरे में आए थे। भक्षानर उस धुएं से भरे खाने में देखते हुए कहता है, कैसी हो मेरी प्यारी कामेश्वरी यक्षिणी। जैसे ही भक्षानर ये बात कहकर उस खाने की तरफ देखता है, उस खाने में से धुआं धीरे धीरे छटने लग जाता है। जैसे जैसे धुआं छटते जा रहा था, उस खाने में एक बोतल नजर आने लग गई थी। वो बोतल बिजली की शक्ति से बनी हुई थी। जब उस खाने में से पूरी तरह धुआं छटता है तो वहां सिर्फ बिजली की शक्ति से बनी हुई कांच की बोतल ही नजर नहीं आती है, बल्कि उस बोतल के अंदर कामेश्वरी यक्षिणी भी नजर आती है। वो कामेश्वरी यक्षिणी जो हूबहू यामिनी की तरह दिखती थी। कामेश्वरी यक्षिणी यामिनी की तरह दिखती भी कैसे नहीं, आखिर वो यामिनी की माँ जो थी उसी ने यामिनी को जन्म दिया था। पर कामेश्वरी यक्षिणी काफी कमजोर नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर वो चमक और रौनक नहीं थी जो यामिनी के चेहरे पर नजर आती थी। उसका पूरा चेहरा मुरझाया हुआ था। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी को देखते हुए कहता है, कैसी हो मेरी कामेश्वरी यक्षिणी। कामेश्वरी फुर्ती के साथ बोतल के अंदर ही अपने कदम आगे बढ़ाती है और बोतल के कांच पर अपने हाथ मारने लग जाती है। पर जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी बोतल को छूती है, उसे तेज झटका लगता है और वो बोतल के एकदम बीचों बीच जाकर गिर जाती है। ऐसा लगता है जैसे भक्षानर ने बोतल पर एक ऐसा जाल बिछा कर रखा हुआ था कि कामेश्वरी यक्षिणी बोतल को छू नहीं सकती। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी जगह पर से खड़े होते हुए गुस्से के साथ अनुराग को देखते हुए कहती है, निकाल बाहर निकाल मुझे यहाँ से, फिर बताती हूँ मैं कैसी हूँ। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी से पलट कर कहता है, तुझे यहाँ से निकालने ही तो आया हूँ मेरी कामेश्वरी। कामेश्वरी यक्षिणी अनुराग को घूरते हुए कहती है, अब किस मकसद से आया है तू, अब क्या कराना चाहता है मुझसे। अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, ऐसे बात करता है कोई अपने पति से। कामेश्वरी तू तो मुझे अपना पति मानती थी ना, और तू मुझसे तू तड़ाक करके बात कर रही है। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, तू वो नहीं है जिसे मैंने अपना पति माना था, ना ही वो है जिससे मैंने प्यार किया था। तू हिरण की खाल में भेड़िया है, भेड़िया, भेड़िये से भी बदतर भक्षानर। अनुराग यक्षिणी को उसी की बातों में घेरते हुए कहता है, पर प्यार में अंधी कामेश्वरी ना ही भेड़िये को पहचान पाई, ना ही भक्षानर को। वो तो गाय निकली गाय, एकदम सीधी साधी। यक्षिणी अनुराग को घूरते रहती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है। अनुराग फिर कामेश्वरी यक्षिणी से बोल पड़ता है, मेरी प्यारी कामेश्वरी मैं तुझे लेने आया हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी दोनों भवें उठाते हुए भक्षानर से पूछती है, लेने पर क्यों, अब क्या काम पड़ गया तुझे मुझसे कि तुझे मेरी याद आ गई और मुझे यहाँ पर लेने चले आया, वो भी इतने सालों बाद। अनुराग बड़े प्यार से कहता है, मेरी प्यारी कामेश्वरी तुझसे काम कराना है और वो काम तू ही कर सकती है। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर पूछती है, काम कैसा काम। अनुराग बात को घुमाते हुए कहता है, बताऊंगा सब बताऊंगा, पर अभी नहीं, अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, अभी यहाँ से जाने का वक्त है मेरी कामेश्वरी। इतना कहकर अनुराग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस कांच की बोतल को खाने में से उठाने लग जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे बता। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता है और उसकी बोतल उठाकर वहां से जाने लग जाता है। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी को लेकर सीधे तारा के पास आ जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी अभी भी बोतल के अंदर बंद थी, पर उसमें से उसे तारा नजर आ रही थी। जैसे कामेश्वरी यक्षिणी की नजर तारा पर पड़ती है, कामेश्वरी यक्षिणी झट से अनुराग से पूछ पड़ती है, ये बच्ची कौन है और इसकी आंखों के साथ क्या किया है तूने। अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। यक्षिणी की आवाज बस अनुराग को सुनाई दे रही थी। बोतल भक्षानर की काली शक्तियों से बंधी होने के कारण तारा कामेश्वरी यक्षिणी की आवाज नहीं सुन पा रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी फिर अनुराग से पूछ पड़ती है, बता कौन है ये बच्ची। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ सोचते हुए कहती है, कहीं ये वही तो बच्ची नहीं जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। जैसे ही यक्षिणी ये बात बोलती है, अनुराग कामेश्वरी यक्षिणी की तरफ देखते हुए कसकस कर हंसने लग जाता है।
अनुराग हंसते हुए ही कहता है, हाँ ये वही है। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे पर डर नजर आने लग जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी डर के साथ ही कहती है, तूने इसके साथ क्या किया भक्षानर? इस बच्ची की आंखें कहाँ पर हैं? बता क्या किया तूने इसके साथ? यक्षिणी कुछ सोचते हुए डरते हुए ही कहती है, कहीं तूने इसकी शक्तियां तो। इतना कहकर यक्षिणी खुद चुप हो जाती है। अनुराग हंसते हुए फिर बोल पड़ता है, हाँ ले ली मैंने इसकी शक्तियां, ले ली कामेश्वरी, और अब मेरे पास दैवीय शक्ति भी है। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, कामेश्वरी डर से कांपने लग जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी खुद से बड़बड़ाते हुए धीरे से कहती है, ये कैसा अनिष्ट हो गया महादेव, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कहकर कामेश्वरी खुद चुप हो जाती है। अनुराग कहता है, अब चलने का वक्त हो गया है, हम जा रहे हैं। तारा रोते हुए अनुराग से पूछती है, तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम मुझे मेरी माँ के पास क्यों नहीं ले जाते? यक्षिणी भी बोल पड़ती है, कहाँ ले जा रहे हैं भक्षानर हमें? बता क्या कराना चाहता है तू मुझसे? अनुराग ना ही तारा के किसी सवाल का जवाब देता है, ना ही यक्षिणी के। वो खामोशी के साथ वहीं पर खड़ा रहता है। तारा और यक्षिणी बार बार वही सवाल पूछते रहते हैं, पर वो किसी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। अगले पल अनुराग मंत्र पढ़ने लग जाता है। वो अपनी शक्तियों से सामने एक बड़ा सा आंख की तरह दिखने वाला गोला बनाता है, जो धुएं से ही बना हुआ था। अनुराग ने अपने एक हाथ में वो बॉटल पकड़ी हुई थी जिसमें यक्षिणी कैद थी, और अपने दूसरे हाथ से तारा का हाथ पकड़ता है। वो उनके साथ ही उस धुएं से बने हुए आंख की पुतली में छलांग लगा देता है। अगले ही पल वो धुआं गायब हो जाता है। उसी के साथ अनुराग तारा और यक्षिणी को लेकर कहीं चले गया था। जैसे ही वहां से धुआं गायब होता है, युग भी अतीत के पलों में से बाहर आ जाता है। इस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ रूम नंबर 666 में ही खड़ा हुआ था, और उसने सभी को वो सब बता दिया था जो उसे तब दिखा था जब उसने अनुराग की आंख की पुतली को छुआ था। युग मायूसी के साथ कहता है, उस काले साए को तारा की शक्तियां मिल चुकी हैं, और वो अपने साथ तारा को भी ले गया और कामेश्वरी यक्षिणी को भी। वर्चस्विनी रोते हुए कहती है, मेरी बेटी तारा को कितना दर्द हुआ होगा जब उस भक्षानर ने मेरी बेटी की आंखें निकाली होंगी। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, वो जिंदा भी होगी या नहीं, या फिर उस भक्षानर ने मेरी बेटी को। वर्चस्विनी इसके आगे कुछ कहती, उससे पहले ही कछुआ बोल पड़ता है, ऐसा मत बोलो वर्चु, तारा को कुछ नहीं हुआ होगा, वो ठीक होगी। वर्चस्विनी आक्रोश के साथ पलट कर कहती है, कैसे ठीक होगी मेरी बेटी कछुआ, तुम ही बताओ। तुमने सुना ना युग ने क्या कहा, उस भक्षानर ने मेरी बेटी की आंखें निकाल ली है, उसने उसकी शक्तियां छीन ली, मेरी बच्ची। इतना कहकर वर्चस्विनी फिर से रोना शुरू कर देती है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब उस भक्षानर को तारा की शक्तियां मिल चुकी थी, तो वो तारा को अपने साथ क्यों ले गया, और उसे कामेश्वरी यक्षिणी से क्या काम पड़ गया। डायना भी परेशान होते हुए कहती है, मेरे तो यही बात समझ में नहीं आ रही है कि वो भक्षानर तारा और कामेश्वरी को यहाँ से ले ही क्यों गया, और ले भी गया तो कहाँ। युग बोल पड़ता है, मेरी भी समझ नहीं आ रहा कि वो भक्षानर कहाँ पर तारा और कामेश्वरी यक्षिणी को ले जा सकता है। यामिनी कुछ गुस्से के साथ कहती है, वो भक्षानर जहाँ कहीं पर भी तारा और माँ को ले गया होगा, मैं उसे ढूंढ लूंगी और छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। युग यामिनी से पूछ पड़ता है, तुम कहाँ जा रही हो यामिनी? यामिनी युग के सवाल का जवाब नहीं देती है, अपने कदम आगे बढ़ाते रहती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। युग भी फौरन यामिनी के पीछे जाता है, और उसके पीछे पीछे ही बाकी सब भी कमरे से बाहर जाने लग जाते हैं। युग यामिनी के पीछे चलते हुए ही बार बार उससे पूछते रहता है कि वो कहाँ पर जा रही है, पर यामिनी कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी, बस गुस्से से अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। यामिनी अभी भी ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर ही निकली थी कि तभी उसे ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर कोई नजर आता है। एक ऐसा शख्स जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर मिलेगा। सिर्फ यामिनी ही नहीं, एक एक करके जो भी ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर निकल रहा था, यामिनी की तरह ही शॉक ढोकर ग्रेवयार्ड कोठी की दहलीज पर ही खड़े रह जा रहा था। सब हैरान हो गए थे उस शख्स को देखकर। ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर कोई और नहीं बल्कि कार्तिक पुजारी खड़े थे, पर कार्तिक पुजारी वहां पर अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ बल्लू काका भी वहीं पर खड़े हुए थे। बल्लू काका के सिर पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी, जैसे उन्हें कोई गहरी चोट आई हो। एक और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जो थी, वो ये थी कि बल्लू काका तो काली बारिश में भीग रहे थे, पर कार्तिक पुजारी पर उन काली बारिश की बूंदों का जरा सा भी असर नहीं हो रहा था, जैसे उन्होंने किसी शक्ति से पहले ही अपने चारों तरफ कोई रक्षा कवच बनाकर रखा हो उस काली बारिश से बचने के लिए। बल्लू काका को देखकर अमोदिता की आंखें नम होने लग जाती हैं।
वो कब से आखिर बल्लू काका की तो मिलने का इंतजार कर रही थी। उसी से तो उसे पता चलने वाला था कि आखिर उसके पिता सुदेश का क्या हुआ। मुर्दों से हुई लड़ाई में तो अमोदिता पहले ही अपनी माँ को खो चुकी थी। अब वो अपने पिता को नहीं खो सकती थी, वरना वो अनाथ हो जाती। उसकी पूरी दुनिया एक रात में ही उजड़ जाती। अमोदिता बल्लू से कुछ पूछने ही वाली थी कि उससे पहले ही कायर हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाता है और कार्तिक पुजारी के चरणों में गिरते हुए कहता है, अच्छा हुआ पुजारी जी आप आ गए, अब आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। उस भक्षानर के अंश ने सब खत्म कर दिया पुजारी जी, सब खत्म। कायर को कार्तिक पुजारी के पैरों में इस तरह गिरते हुए देख सभी लोग अचंभित रह गए थे। कायर की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कार्तिक पुजारी को पहले से और काफी अच्छे से जानता हो। पलक कायर को देखते हुए मन में सोचने लग जाती है, ये कायर तो क्रिश्चियन है ना, तो फिर ये एक क्रिश्चियन होकर पुजारी जी को इतने करीब से कैसे जानता है। कार्तिक पुजारी कुछ कहते उससे पहले ही अमोदिता बल्लू से पूछ पड़ती है, बल्लू काका पापा कहाँ है, वो कहीं नहीं दिख रहे। बल्लू कुछ कहने ही वाला था कि अमोदिता हड़बड़ाहट के साथ फिर बोल पड़ती है, उन्हें ज्यादा चोट आई है क्या जो वो यहाँ पर आपके साथ नहीं आ पाए, आप उन्हें कहीं छोड़कर आए हैं क्या। अमोदिता के दिल में सुदेश से मिलने की इतनी आस को देखकर बल्लू काका भी भावुक होने लग जाते हैं, उनकी भी आंखें नम होने लग जाती हैं। बल्लू अभी भी कुछ नहीं बोलता है। अमोदिता बल्लू पर दबाव बनाते हुए कहती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे बल्लू काका, बताइए पापा कहाँ पर हैं। युग भी बल्लू पर दबाव बनाते हुए बोल पड़ता है, हाँ बल्लू काका बताइए सुदेश मामा कहाँ पर हैं। बल्लू रोते हुए ना में अपना सिर हिलाने लग जाता है। बल्लू इस तरह रोने लग गया था कि उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। उसको सिसकियां भरते हुए रोते देख सभी समझ गए थे कि सुदेश के साथ क्या हुआ था। जैसे ही अमोदिता इस बात को समझती है वो दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती है। अमोदिता रोते हुए ही बल्लू से बोल पड़ती है, नहीं बोल दीजिए कि ये झूठ है बल्लू काका, पापा को कुछ नहीं हो सकता। बल्लू रोते हुए कहता है, अमोदिता बिटिया यही सच है, सुदेश साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन मुर्दों ने मार दिया उन्हें। जैसे ही अमोदिता बल्लू के मुंह से ये बात सुनती है उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। सिर्फ अमोदिता ही नहीं युग ने भी रोना शुरू कर दिया था। वो कैसे न रोता, वो ये बात अच्छे से जानता था, भले ही दिलीप ने कभी उसे अपना कुछ न माना हो पर सुदेश उसकी बकायदा इज्जत करता था, उसका मान सम्मान करता था। पलक अमोदिता के पास जाती है और उसे सहारा देते हुए कहती है, संभालो अपने आप को अमोदिता, ये टूटने का वक्त नहीं है, होनी को कोई नहीं बदल सकता। अमोदिता रोते रहती है, उसका रोना लाजमी था। अब वो अपना सब कुछ खो चुकी थी, उसका पूरा परिवार तबाह हो चुका था। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए बल्लू से पूछ पड़ता है, उस रात क्या हुआ था बल्लू काका, आप तो उस रात सुदेश अंकल के साथ ही थे ना बाइक पर हमारी जिप्सी के पीछे, फिर सुदेश अंकल को कैसे क्या हो गया और आप कैसे बच गए। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।